हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सूर्य नमस्कार के बारे में। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये एक्सरसाइज जो है, ये योगासन किसके लिए ज़रूरी है। तो अगर आप भी मेरी तरह 9 to 5 जॉब करते हैं, जिसमें आपको एक सिटिंग पोस्चर में सारा दिन बिताना पड़ता है, आपको बैठे रहना पड़ता है, जिसमें कि आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है थोड़ा सा आगे की तरफ बेंट हो जाता है, क्योंकि हम कितना भी कोशिश करें तो हम हमेशा अपने स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे स्ट्रेट नहीं रख सकते हैं, हमेशा हमारा पोस्चर ऐसा हो जाता है। तो अगर आपका ये सिटिंग रूटीन है, आपका ये अगर डेली लाइफ में इस तरह का आपका है, या फिर अगर आप कोई फिजिकल वर्क करते हैं जिसमें कि आपके शरीर में पूरे दिन जो है स्ट्रेस होता है, थकान होता है, तो आपके लिए ये बेस्ट योगा है, जिसे आप सुबह में 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। और तो चलिए बात करते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में। तो इससे सबसे पहला बेनिफिट जो है, ये आपके एक पोस्चर को करेक्ट करता है। तो आपका पोस्चर आपके पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है। सेकंड, ये आपके पूरे थ्रू आउट द डे के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, आपके एनर्जी को इमेंस बूस्ट देता है, जिससे आप जो भी काम करते हैं उसमें आप फोकस्ड और कंसंट्रेशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इसकी बेनिफिट ये है कि आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। हम जब हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर जब हम पावर लिफ्टिंग करते हैं, तो हमारे शरीर से फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है। और अगर आप इस योगासन को करते हैं तो आपके शरीर में एक अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी आता है, जिससे जिसके कारण आपके मसल्स का पेन रिड्यूस होता है। ऑल्सो ये आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप एक फीमेल है और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। ओके, तो रिलैक्स्ड पोजीशन में खड़ा होना है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, होल्ड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आपको सूर्य नमस्कार की ये 12 स्टेप्स 10 से 15 रिपीटेशन मॉर्निंग में करने हैं, जिसे करने में आपको मैक्स 8 से 10 मिनट्स लगेंगे। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि 3 ही करें स्टार्टिंग में, नहीं तो हो सकता है कि आपके मसल्स में थोड़ा सा पेन जनरेट हो। तो आप इसको धीरे से करके और धीरे धीरे करके आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, और फिर 10, 15 यहाँ तक पहुँचा सकते हैं।